एंट्री एंट्री नहीं है सर, एंट्री नहीं है। आइए आइए सर, आइए आप भी जाइए। और इवन बचा हुआ है उस दिन का। फिल्म हो गया धीरे-धीरे। आके रुकना है यहाँ पर भी, छपने वाला इधर है। सर यहाँ पे खाली हाथ रखिए और यहाँ पे देखिए, हाँ स्टार्ट यहाँ से कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए। सर यहाँ पे सेंटर सेंटर, अरे इधर मट्टी तो डाले, इधर मट्टी डालो, मट्टी डालो, जल्दी करो, बारिश आ रही है सर। जी विनोद अभी बैठ जाइए, दो 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 जन आप लोग सर, तुम्हें पुड़े है, पुड़े है सर, बैठ जाइए, आ जा बस। यस हां, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस ये ना मत मार दिया ना सर, खाली सर थोड़ा बहुत, वाह हां हां, पानी भी आ रहा है ऊपर से। हां सर इधर बड़ा यहां, यस चलो 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 दूसरा जा रहा हो गया, ये कितने मिनट लोगे। अच्छा सर विजुल है, हाँ पेड़ मिट्टी डालनी है अभी, सिर्फ ये लगाना है हमें और बस, जब ये बन गया तो मुंडे जी, मुंडे जी, मुंडे जी, मुंडे जी बीच में आ रहे, मुंडे जी बीच में नहीं है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं सर, वो पूरा भरना है जी। मैडम थोड़ा आप इधर आइए, आपका फेस नहीं दिख रहा है आप, यहाँ पे याद कराते हैं, हाँ घुमा लेता हूँ, चलिए भाई हो गया। वो झाड़ को है ना, झाड़ को ऐसा मट्टी है ना, आप दोनों जी, सबसे पहले तो मैं नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है नेचर, और आज का जो कंक्रीट जंगल बन गया है यहाँ, नेचर से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो जब पता चला मुझे कि पूरी फिल्म झारखंड में शूट होने वाली है, और अब तक मैंने जो भी किरदार प्ले किए हैं उनसे बहुत ही हटके, एक गाँव का सीधा साधा सरल लड़का जो कि पढ़ा लिखा है और शहर से पढ़ के आके अपनी सारी विद्या को कहीं ना कहीं अपने गाँव में लगाता है, अपने गाँव में इम्प्लीमेंट करता है, पेड़ों से हम क्या क्या दवाइयाँ बना सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं क्रिएट जो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बढ़िया बनाती हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया टूवर्ड द स्क्रिप्ट। एंड जब एक आप नए तरीके का किरदार प्ले करते हैं तो एक चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर, तो मुझे लगा मेरी किटी में एक अलग रोल जो है ऐड होने को मिलेगा, तो दैट वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं फिल्मों की शुरुआत भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुई थी कि हम जब कोई चीज़ बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ समाज का आईना नहीं है, कहीं ना कहीं वो उस दर्पण के ज़रिए हम अपने आप को, हमारी जो कमियां हैं उनको सुधार सकें या जो अच्छी चीज़ें उन्हें सीख सकें उनको भी हमें जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग सब साथ में मिलके जब अपने देश के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में सोचेंगे तभी जाके हमारा देश महान बनेगा। अच्छा
जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी बहुत अलग था, बहुत अच्छा लगा मुझे, लगा कि ये काम करके शायद लोगों में भी बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि पेड़ लगाओ। मतलब बहुत ही एक रोमांटिक मूवी के साथ साथ इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ ये स्टोरी देख के कि बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे, तो अच्छा लगा जी। काफ़ी एक्सपीरियंस है, जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी, वर्कशॉप होता था, तो इनके साइड से बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी। बहुत काफ़ी बताते थे नहीं ये ऐसे, ये डायलॉग ऐसे बोलने में अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, तो बहुत सारे इनपुट्स थे इनके टूवर्ड्स, मतलब इनके साइड से, और मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मैं सीरियल बैकग्राउंड से थी, मूवी कभी मैंने कभी किया नहीं था, बट ये सुना था कि मूवी में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे चीज़ें मतलब करना पड़ता है, जैसे सीरियल में हमें नॉलेज है, सीरियल में आप कट कट करके, लेकिन मूवी में बहुत ही अच्छे से करना होता है सब कुछ, तो थोड़ा टफ था मेरे लिए, बिकॉज सीरियल बैकग्राउंड से काम करना थोड़ा मूवी में थोड़ा टफ तो होता है, बट लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरी मतलब मदद की मेरी। जी मुझे लगता है दो ऐसे नए मीडियम आए हैं, एक बोल सकता हूँ जो एल्बम्स हैं आजकल, जो सिंगल सॉन्ग्स आ रहे हैं वो एक 3 मिनट के ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ कह जाते हैं, तो एक ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं काफ़ी गाने कर भी रहा हूँ, और एक OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी वेब सीरीज़ आ रही हैं या शॉर्ट वेब फिल्म्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक कम समय में लोगों को एंटरटेनमेंट भी कर देती हैं, और एट द सेम टाइम एंटरटेन होने के साथ साथ एक मैसेज देके चली जाती हैं, और बहुत इजी टू एक्सेस है, कोई इंसान बिजी है तो ज़रूरी नहीं उसको अपने घर में जाके TV लगा के देखना, अपने फ़ोन में भी देख सकता है खाली टाइम में, तो मुझे लगता है ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है, जो हमें आपस में कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं। अभी हाल ही में मैंने 3-4 वेब सीरीज़ कंप्लीट की हैं, वन इज़ कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, इल्ज़ाम, और इसके अलावा रंगबाज एक वेब सीरीज़ है मेरी जो आने वाली है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग अप।